बैम कैनिबल कहा। अब इसे जल्दी से इस पैकेट से बाहर निकालो, कब से चैन की नींद ले रहा है। बात तो सही है, ऐसा लग रहा है मानो ये पहले से तैयार है लाइन में खड़े होने के लिए, यू नो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सारे के सारे ओमनीट्रिक्स में थे, और अगर तुम ध्यान से देखो कितना अच्छा बनाया, कितना बढ़िया बनाया। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके पीछे एक ओमनी पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा गोल शेप में और कंसेंट्रिक सर्कल्स। वाओ, मैं कितना खुश हूं कि मुझे शब्द आता था कंसेंट्रिक। और ये पूरी तरह से ओमनीट्रिक्स में जम गया है। और हाँ, इसकी गोल पैकेजिंग काफी क्या कहते हैं इंडिकेटिव है। ओ, बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे हो। अरे कुछ भी। और ये ओमनीट्रिक्स की तरह दिखता भी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लाइव है बेन 10 अनबॉक्सिंग में, और आप यूं समझिए कि हम ओमनीट्रिक्स से एलियंस को सीधा यहीं बुलाते हैं। हाँ, किसने सोचा था, शायद बस उन्होंने जिन्होंने बनाया। तो इसे खोलने के बाद तुम बिल्कुल बेन 10 की तरह हो जाओगे और एलियंस को बुलाओगे। हाँ, और अगला वीडियो ओमनीट्रिक्स के बारे में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसका पूरा क्रेडिट ले लूं, पर सारा काम बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग टीम ने किया है। हाँ, उनके लिए एक ताली हो जाए। बिल्कुल, बहुत खूब। हाँ, तो अब क्या करना है, क्या हम इसे निकालें? ओके, चलो इसे हाँ, मैं निकालता हूँ। मैं इसे एक बार पकड़ के देखना चाहता हूँ। देखो, खेलो। हाँ, ये मेरा है। मैं बस इसे हमेशा पकड़ के रखूंगा। हाँ, हमेशा, कभी भी बोल दूंगा ये देखो। यप। जो भी बात हो रही होगी बस लोगों के पास जाऊंगा और कह दूंगा ये देखो। लोगों के एकदम चेहरे के पास जाऊंगा। तो पहली नजर में ये खतरनाक लगता है, इसका अलग स्वैग भी है। देखो, अभी खाली टेबल पर बैठा है फिर भी कैसा दिख रहा है। और अगर किसी ने टीवी के सामने रख दिया तो लोग टीवी देखना ही भूल जाएंगे। हाँ, जैसे कि कैनन बॉल, नीचे हो जाओ, मैं टीवी देख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। हीट ब्लास्ट, क्या बात कर रहे हो, ये है हीट ब्लास्ट। हाँ, और आपका ध्यान सबसे पहले इसकी फिगर पर तो नहीं जाएगा। नहीं, मैंने सबसे पहले नोटिस किए तीन शब्द, विथ फ्लेम ब्लास्ट। हाँ, काफी। हाँ, एक छोटी कम दूरी के लिए, और एक जो दिखाई दे रही है बहुत बड़ी फायरबॉल। ये वो फेंकने वाला ब्लास्ट है, इन्फर्नो बीम। इन्फर्नो बीम, इन्फर्नो बीम। देखो, कैनन बोल्ट भी काफी अच्छा था, पर उसके साथ कोई एक्सेसरीज नहीं थी, शायद प्लास्टिक खत्म हो गया। इसमें वैसे भी और कुछ फिट नहीं होता है। हाँ, वो भी है। थोड़ी सी पढ़ाकू बात लगेगी सुनने में, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि सारी फिगर्स बिल्कुल सही साइज की बनाई है इन्होंने। जैसे कि कैनन बोल्ट काफी बड़ा है। हाँ? हीट ब्लास्ट उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन बराबरी करने के लिए इसमें है बहुत ही कूल ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक, और भूलिएगा मत इसमें है गर्मा गर्म इन्फर्नो बीम्स। हाँ, वही तो बात है, येलो के आर पार दिखता है सीधे एकदम। अगर खिड़की पे भी इसे रख दिया जाए और लाइट इससे होकर गुजरे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? बिल्कुल, मतलब क्या लगेगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक टॉर्च यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे टॉर्च जलाओ। हाँ, इससे आग निकलते हुए कितनी अच्छी लगेगी। पर हाँ, इसकी पैकेजिंग कैनन बॉल के जैसी ही है, ऐसा लग रहा है कि ओमनीट्रिक्स की सारी रेंज ऐसी ही होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। मुझे सच में लगता है कि यहाँ पे लाइट होनी चाहिए थी। सॉरी दोस्तों, मैं माफ कीजिएगा, हमारे पास लाइट नहीं है, पर मैं अपने सारे दोस्तों से कहूंगा कि अपने कैमरा फोन से इसको फिल्म करना, थोड़ा पीछे टॉर्च लगाइएगा और फिर देखिएगा ये ब्लैक बैकग्राउंड में कैसा लगता है, कितना शानदार लगेगा। और उसके बाद कर सकते हैं जस्टिस बर्न्स। तुम स्टाइल मारना कभी बंद नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल, बीच बीच में टेंशन तो दिखाना ही पड़ता है ना भाई, कभी सोचना आराम से। मैं सोच तो रहा हूँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलो शुरू करें। हाँ क्यों नहीं, तो चलो फिर तुम तैयार हो। 3, 2, 1, ये है अनबॉक्सिंग टाइम। हम कुछ भी कैसे भी बोल लेते हैं ना। कोई बात नहीं, अब तो बोल दिया। तुम तो अभी से उसके हाथों पे फायर ब्लास्ट लगा रहे हो। हाँ देखो, हीट ब्लास्ट के साथ पंगे मत लेना, उसे पता है कि उसका कौन सा हाथ कौन सा फायर मूव करता है, समझे बेटा? लेफ्ट छोटा है और राइट लंबा है। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर हम इसको कंप्यूटर में खेलेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि एक बड़ा अटैक है और एक हल्का, हल्का वाला फास्ट है लेकिन बड़ा वाला स्लो और पावरफुल। बिल्कुल, मैंने कंप्यूटर गेम्स खेले हैं। बहुत ही बढ़िया, वाह। मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मुझे सीक्रेट पता है। भारी 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 भारी, हल्का हल्का, भारी 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 भारी, हल्का हल्का। बस बटन दबाते रहना होता है। मैं बचपन में हमेशा अपनी बहन से हार जाता था क्योंकि वो बार बार एक ही बटन दबाती रहती थी। आज भी कंप्यूटर गेम्स बिल्कुल वैसे ही हैं, कुछ नहीं बदला, बस बटन दबाते रहो बार बार। हीट ब्लास्ट बहुत खूब, कैनन बोल्ट के साथ रखो और चलते जाओ। ये है एक्सेलरेट, XLR8। XLR8, आओ जरा देखते हैं इसमें और क्या क्या है। इन्होंने इसमें ट्रैफिक कोन्स भी रखे हैं, ये तो पूरा प्लेसेट है।
इसके साथ खेलने में तो बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा कि मैं एकदम आराम से अपने कारपेट पे बैठा होऊंगा और दूर दूर हो सकता है मॉम एंड डैड वहां पे बैठे होंगे और टीवी देख रहे होंगे, और मैं कारपेट पे अपना XLR8 बार बार यहां से वहां ले जा रहा होऊंगा, और मुझे लगता है 3-4 बार तो मेरे मॉम डैड मुझ पे चिल्लाएंगे लेकिन मैं सुनूंगा नहीं। अरे मैं बिजी हूँ, मैं दुनिया को बचा रहा हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ, जमीन को जला रहा हूँ और एक भी कोन नहीं गिरा रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं उसके बाद एक फाइनल पोज में खड़ा हो जाऊंगा, ये है अनबॉक्सिंग। क्या बात है, मैं खुद को पैरेलल स्लाइड पार्क करता हुआ देख सकता हूँ XLR8 की तरह, यू नो, मैं पास में जाकर देख सकता हूँ, यहाँ वहाँ देख सकता हूँ, सब जगह। ओहो, ये तो भूतिया घर के दरवाजे की तरह था। मैं तो नहीं कर सकता। एनीवे हम तो साउंड इफेक्ट्स ऐड करो अभी। वाह, ये कितना अच्छा था। है ना, बहुत अच्छा था, टेक्नोलॉजी कमाल की है। हे, तुमने फिर से वही किया, पिग जैसी आवाज आई। मुझे तो लगा एक दबे हुए चूहे की आवाज थी। मैं सोच रहा हूँ आइस स्केटिंग करते हैं। मैं करता था पहले काफी आइस स्केटिंग, पर मैं वो चीज कभी नहीं कर पाया, वो जो रुक के लोग आइस उड़ाते हैं ना। हाँ, क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें क्लू देता हूँ, X पे शुरू होता है और 8 पे खत्म होता है। ओह, XGF8। मुझे पता है अब क्या आने वाला है। मुझे लगता है अब हम एक विलेन देखेंगे। ये है स्टीम स्माइथ। स्टीम पंक, ये तो स्टीम पंक से इंस्पायर्ड है। नहीं, और स्कॉर्पियन स्टिंगर, ये कितना कूल है। हाँ बहुत, इतना कुछ। ये दो टॉयज है, मजा आएगा। हाँ, देखो मैं कितना खुश हूँ। मुझे विलेंस तो बहुत पसंद है। ओ हाँ, बिल्कुल। मतलब बेन 10 एक ऐसा शो है जिसमें अच्छे कैरेक्टर्स इतने कूल हैं। वैसे तो मुझे बुरे कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद है, पर बेन 10 में कितने सारे एलियंस विलेंस से भी बेहतर हैं। और स्टीम स्माइथ इज द टॉप हैट है वो, और वो इतना खतरनाक है। उसकी एक डरावनी सी हंसी है और उसके पीछे एक बड़ी सी पूंछ है। अभी तक हमने वैसे पैकेट खोला नहीं है, पर अगर आप पैकेट के पीछे देखेंगे तो ओहो, पीछे स्पॉइलर है। और इसकी पूंछ जो है वो इसके कंधे के भी ऊपर जाएगी। देखने में तो काफी डरावनी लगेगी दोस्त, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, ये काफी अच्छी है। पता नहीं इसको मूव कर भी सकते हैं या नहीं। सच में ये बहुत ही अच्छा टॉय है। जैसे ही मैं इसको देखता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं इसको एक्सरसाइज करना शुरू ही कर दूं। पर इसको ऐसे अंदर बंद देख के मुझे काफी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे लड़ाई के मूड में देखना शुरू कर दूं। घुमाओ, ये है अनबॉक्सिंग टाइम। हाँ, और अगर आपने बेन 10 नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा, मतलब आप एक बहुत ही कूल चीज पर मिस आउट कर रहे हैं। ओहो, ये क्या होता है, ये बेन 10 क्या चीज होती है? और तुम देखोगे कि स्टीम स्माइथ वो विलेन है, बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं लगता। तो है ना, इसके कपड़े, मतलब इसे ब्लैक जैकेट दिया गया है, ब्रॉन्ज डिटेलिंग दी गई है। बिल्कुल, मतलब ब्रॉन्ज को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। कितनी बार हमने किसी फिगरीन को दिखाते हुए ब्रॉन्ज शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ वही तो, और फिर मरून दिया गया है गॉन्टलेट्स को, और शॉर्ट्स पहनाई गई है। मुझे इसकी शर्ट पे ये जो एक्वा कलर की डिटेलिंग है वो भी अच्छी लग रही है। हाँ सच में, बिल्कुल अलग बनाया है इसे। मतलब पता नहीं कोई इतना कलर्स पे ध्यान देता भी होगा या नहीं, लेकिन जो शब्द तुमने यूज किए, जैसा कि तुमने कहा गॉन्टलेट्स, कॉग्स, मेटालिक, ये सब इन्होंने बहुत ही ध्यान से बनाया है। और अभी तक तो हमने स्कॉर्पियन स्टेंजर की बात भी नहीं की है, वो तो कमाल ही है। मैं सोच रहा था कि तुम पूछोगे या नहीं कि ये किसी और फिगर पे लग सकता है या नहीं। मैं तो पूछता, अब ये मत कहना कि तुम अपने बाकी टॉयज के साथ ये ट्राई नहीं करते। अरे नहीं, मैं सीधा XLR8 के कोन्स कैनन बॉल के साथ रख दूंगा, तो अगर वो रोल अप नहीं भी हो पाए तो कैनन बोल्ड इन कोन्स के बगल में से नहीं निकलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस बोलेगा रास्ते से हटो मैं आ रहा हूं। हां एग्जैक्टली, बस हटो मैं आ रहा हूं। मुझे बस कुछ तोड़ने को चाहिए, वो बस घूमते रहेगा। हां कोन्स बस एक इंडिकेशन हो सकते हैं कि कौन कुचला जाएगा, एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे लिए, और हां तुम भी कुचले जाओगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। कैनन बोल्ड, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या क्या तोड़ा है? मैं ये कोन्स यूज करूंगा यहाँ और यहाँ भी। मुझे लगता है मैंने काफी तोड़फोड़ मचा दिया यहाँ और यहाँ। मुझे बिल भेज देना। क्या तुम्हारे पास और कोन्स है? मेरे पास बस 3 ही है, मैंने 5 तोड़ दिए। क्या हुआ इन कोन्स को कैनन बोल्ड? और फिर XLR8 आता है, पूछता है क्या किसी ने मेरे कोन्स देखे? हमारी कोन पार्टी चल रही है, हमारे कोन्स खत्म। इसमें है क्रिस्टल ब्लेड, ये कौन हो सकता है? डायमंड हेड, मैं पहले एक्सेसरीज देखूंगा। एक बात साफ साफ कह देता हूँ कि डायमंड हेड को पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए तो एक बार तुम सोचोगे फिर भी तुम्हें इसका कोई जवाब नहीं मिलने वाला। और फिर आती है इसकी क्रिस्टल ब्लेड। हाँ, डायमंड हेड के 2 क्रिस्टल फिस्ट हैं। तुम्हें क्या लगता है इसकी क्या एक्सेसरीज होंगी? हाँ बिल्कुल, इसके हैं 2 बड़े बड़े शार्प क्रिस्टल फिस्ट। क्या क्या है वो? सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हें खांसना है। मुझे भी नहीं पता था। कुछ भी हो सकता है, मेरे गले में काफी देर से कुछ हो रहा था, मैंने सोचा किसी को बताऊं नहीं।
तुम्हें क्या लगता है डायमंड हेड को देख के उसके बॉक्स में? बताओ वो तो हाँ? एक सेकंड मुझे इसे पकड़ने दो। यप। याक मुझे कभी दूसरे खिलौने पकड़ने नहीं देता। तुम भी ले सकते हो, रीजन तो बिल्कुल साफ है। इन टॉयज को देख के लगता है कि शो से ये कितने कितने मिलते जुलते हैं, मतलब इनकी आंखें, दांत, सब कुछ कितना डिटेल्ड है। मुझे लगता है इन्होंने टॉयज बनाते समय शो को जरूर देखा होगा, हाँ? वरना ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। हाँ वही तो, इसमें जितनी डिटेलिंग दी गई है वो कमाल की है, यू नो, बहुत ही बढ़िया है ये। हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा था, पर तुम ठीक कह रहे हो। मैंने बहुत से टॉयज देखे हैं और मुझे उनको देख के लगता है कि अरे हाँ, ये तो उनकी शक्ल है ही नहीं। और अगर शक्ल मैच भी करती है हाँ, तो उनका एक्सप्रेशन मैच नहीं करता, अजीब सा कुछ होता है। वो कह रहे होते हैं कि मैं ये कैरेक्टर हूँ पर शक्ल बिल्कुल मैच ही नहीं करती। ये है डायमंड हेड, ये वो हेनरी नहीं है जिसने डायमंड हेड कॉस्ट्यूम अंडों के बॉक्सेस से बनाया है। ओह देखो मेरे पास डायमंड ब्रेड है, मैंने डुप्लीकेट खरीद लिया। हाँ चलो अब शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। ये है अनबॉक्सिंग टाइम। सॉरी तुम्हारी टर्न मिस हो गई। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ यार। हाँ। अगर तुम्हें ये डायमंड हेड को अपने किचन में कहीं पे रखना हो तो तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छी जगह क्या होगी, बताओ? मुझे सोचने दो जरा। शायद मैं इसे चाय के कप में रखूंगा। मैं नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसा जवाब दोगे। चलो मुझे इसका रीजन बताओ। हाँ चाय का कप, क्योंकि उसके हाथ कप को ऐसे पकड़े रहेंगे जैसे वो एक मेले में झूला झूल रहा हो, समझ गए? हाँ पर हम सब जानते हैं बेन 10 के थीम पार्क के बारे में, क्यों? हाँ बिल्कुल ये सच है, नाम है एड्रेनालैंड। एड्रेनालैंड है ना जो 24 घंटे खुला रहता है। पार्क में कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? रोलर कोस्टर का एक पार्ट गायब हो गया? हाँ चिंता मत करो, डायमंड हेड अभी आएगा, अपनी डायमंड पावर से एक बड़ा सा पार्ट बनाएगा और सबको मरने से बचा लेगा। हाँ पर यहाँ वो बचाने का काम नहीं कर रहा है, तुम्हारे घर पे वो आई थिंक बस टीकप्स में एंजॉय करेगा। हाँ। मुझे लगता है जितना काम करते हैं उतना ही एंजॉय भी करना चाहिए, और डायमंड हेड को तो खूब मजे आ रहे होंगे इस राइड में पूरे साल का पास। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ दुनिया को बचाने के लिए शुक्रिया दोस्त। वो बस गैरी के पास जाएगा जो राइड चलाता है और कहेगा इसे चलाते जाओ गैरी, मुझे अभी उतरना नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो उसे कहेंगे शुक्रिया बेन 10 और डायमंड हेड, आपने हम सबको बचा लिया, हम आपको एड्रेनालिन की फ्री टिकट्स देना चाहते हैं, आप किसी भी राइड पे जा सकते हैं। मुझे बस टीकप्स में जाना है। अच्छा बस टीकप्स, ठीक है आपके लिए सिर्फ टीकप्स, बहुत सारे राउंड्स। हाँ बस चलाते रहो, रुकना मत, चाय से भर दो इसे। बस यही एक चीज उसे बेहतर बना सकती है। मैं अपनी क्रिस्टल ब्लेड से उसको घुमाते रहूंगा। मुझे लगता है अब इस शो पे वो घड़ी आ चुकी है, अब दूसरा टॉय निकालने का समय हो गया है। ओ कितना कूल है। है ना बहुत ही कूल है ये। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा तुम्हें, आज के शूट के पहले ही मैंने इसको चुपके से देख लिया था। क्या छुपे रुस्तम निकले तुम तो, और मैंने देखा कि उसके कपड़े हाँ। मतलब कितने कूल है उसके कपड़े हाँ। मुझे पसंद आया उसका हुड, उसका क्लोक, कितना डरावना विलेन है ये। हाँ बहुत ही टफ और कूल, हेक्स बहुत सही है, और कितना ताकतवर भी। वो पहला एपिसोड कौन सा था उसका? एक मिनट याद आ रहा है मुझे, हाँ फ्रीकी ग्वेन बेन। फ्रीकी ग्वेन बेन हाँ हाँ, पहली बार उस शो में हेक्स आया था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो सारी चीजें उड़ा रहा था, बिल्कुल तबाही मचा दी थी उसने, बहुत पावर है इसमें। जादुई और बिजली वाली रेड वॉर्टेक्स। हाँ हाँ हेक्स से पंगा मत लेना। नहीं ये है अनबॉक्सिंग टाइम। और ये आता है एक मैजिक स्टाफ के साथ। हाँ? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? यप। कितना डरावना है और कितनी डिटेलिंग की है इसमें। एक डरावने भेड़ की खोपड़ी वाली छड़ी है जो हड्डी की बनी है, है ना? और वो इसकी लुक को काफी डरावना बना रही है, क्या कहते हो? और इसके हाथ पे टैटू भी बना हुआ है देखो। हाँ मतलब इसके टैटू भी बने हुए ये देखो। हाँ इतने तो किसी इंसान के भी नहीं होंगे, वैसे इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब कैनन बोल्ट के सामने तो कुछ भी नहीं है, पर इसको हम छोटा भी नहीं समझ सकते। कैनन बोल्ट इससे है तो बहुत बड़ा, पर पावर्स इसमें भी बहुत सारी हैं दोस्त। हाँ विलेंस थोड़े छोटे बनाए हैं, सभी एलियंस बहुत बड़े हैं और ये सब इंसानों की साइज के बनाए हुए हैं। हाँ पर शायद ये ताकत के बारे में नहीं है, ये किसी और चीज के बारे में। इसको ऐसे बनाया है जैसे कि वो मान लो कह रहा हो कि तब है तो मुझे आके छू के दिखाओ। शायद आजकल के बच्चे यही कहते रहते हैं। मतलब जो बॉक्स में लुक दिया गया है वो वाकई में धमाल का है। हाँ ये तो कहने वाली बात भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, जैसे कोई सामने आए एक उंगली उठाई टिंग टिंग और तुम एक्सप्लोड हो जाओगे, तुम मेंढक भी बन सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, या फिर तुम्हें कुत्ता बना के स्पेस में भेज दूंगा। वाह जरा देखो कितना बीफी बनाया है इसे। फोरआर्म्स तो कैनन बोल्ट से भी बड़ा है क्या, जरा देखें। हाँ ये बड़ा है, इसके साथ आई है ब्रेकेबल चेन। तुम्हारे बोलने से पहले ही पढ़ लिया। हाँ मैंने देखा वो। दुख हुआ होगा तुम्हें। मतलब ये ऑसम है, बहुत ही ज्यादा।
ये वैसा एक टॉय है जिसे देखकर तुम जानना चाहोगी कि ये क्या करता है, और मुझे इसकी चेन से अभी खेलना है, अभी के अभी खेलना है। हाँ, ये मेरा फेवरेट है। वाओ, ये मेरा सबसे पसंदीदा टॉय है। वो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले हम काफी सारे टॉयज के साथ खेल चुके हैं। तुम श्योर हो? नहीं, फोरआर्म्स ही, क्योंकि ये कितना बड़ा है और इसके हाथ पैरों में कितनी मूवमेंट है। ये एक आर्टिक्युलेथॉन है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है हीरो टाइम, यही वो हीरो टाइम है। ये है अनबॉक्सिंग टाइम। मुझे पता है तुम कितने सारे पोजेस कर सकते हो, है ना? हाँ, अच्छा तीन के नाम बताओ। अच्छा तो ये कैसा? नहीं नहीं, ये तो फोर आर्म्स है ना, तुम पांच के बताओ। देखते हैं, लेफ्ट आर्म ऊपर, राइट आर्म नीचे। ये कौन सा पोज है? थोड़ा सा हाफ मसल। ओ, फ्लेक्स करना है, फ्लेक्सी पोज। हाँ, ये वाला पोज जो इसके बॉक्स पे बना हुआ है, थोड़ा ऐसे। हाँ, बिल्कुल मकड़ी की तरह, ये तो एक बड़े से कीड़े की तरह है। हाँ बिल्कुल। फिर हम इसके हाथ फैलाकर इसका पोज बनाएंगे इस तरह, जैसे कपड़े सूखते हैं। हाँ, दोनों साइड फैला देंगे, जैसे देखो मैं कितना बड़ा हूँ। लास्ट वाले में प्रेसअप पोज, देखो तीन आर्म्स बाहर और एक आर्म लड़ाई के लिए तैयार। ये वो है जो दो हाथ से तुम्हारी पिटाई कर रहा होगा और विलन्स नीचे ऐसे पड़े होंगे, और ये प्रेसअप करके बोलेगा कम ऑन ब्रो। मैं ये पूरे दिन कर सकता हूँ। मैं भी। तुम्हें क्या लगता है क्या है? मैं तो अपग्रेड के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं उससे रिलेट करता हूँ। ये दो दो है। ये बेन 10 है। बेन 10 और ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, हाँ ये वो कैरेक्टर है जिसे मैं भूल रहा था, इसे मिस कर दिया मैंने। तुम बात कर रहे हो शो के टाइटल कैरेक्टर की? हाँ, मैं बेन 10 का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। ओहो, मैं बहुत पास था, बहुत पास था। मतलब शो का नाम इतना अजीब है, कुछ समझ में नहीं आता। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनोगे? क्या तुम्हें बेन टेनिसन का मिडिल नेम पता है? टेंजमन है क्या? बेंजामिन टेंजमन टेनिसन। क्या मैं जीता? नहीं। ओके, तो बताओ। ये तो मुझे नहीं पता था, बेंजामिन कर्बी टेनिसन। तुम्हें काफी कुछ पता है। शुक्रिया शुक्रिया, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। मतलब मुझे बेन 10 का नाम भी नहीं पता था। हाँ सही कहा, पर तुमसे ज्यादा नॉलेज तो मुझमें इजीली होगी, क्योंकि तुम्हें तो टाइटल कैरेक्टर का नाम भी नहीं पता है। तो तुम्हें क्या लगता है इस बेन 10 ग्रे मैटर के कलेक्शन को देखकर? दो मिलते हैं साथ। हाँ वो तो है, इसके साथ कोई एक्सेसरीज नहीं आई है, पर एक के प्राइस में तुम्हें दो मिल रहे हैं। है तो एक्सेसरी, बेन है ना। हाँ ये बात तो सही है, हमें बेन मिल रहा है, यू नो। हाँ ग्रे मैटर ले रहे हैं, पर बेन साथ में मिल रहा है। उन्होंने बॉक्स पे गलत लिखा है, उन्होंने लिखा है कि बेन 10 के साथ ग्रे मैटर मिलता है। हाँ, मगर मैं कहता हूँ कि ग्रे मैटर के साथ बेन 10 मिलता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हाइट्स और साइजेस एकदम सही लिए हैं। कितनी सारी डिटेलिंग है, साइजेस, विड्थ, हाइट, मोल्डिंग, सब कितना अलग है। अगर सारे बड़े कैरेक्टर्स को देखो तो एक बात मुझे बहुत देर से कहनी थी कि ये जो ग्रे मैटर जैसा छोटा कैरेक्टर है और बेन 10 भी कुछ हद तक, इनकी वजह से जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं जैसे कैनन बोल्ट और फोर आर्म्स, वो और भी बड़े लगते हैं। सही कहा बिल्कुल, और अगर बेन को सब विलन्स के साथ खड़ा कर दिया जाए तो ये सारे विलन्स कितने खतरनाक दिखेंगे इस 10 साल के बच्चे के सामने। हाँ, और अब हमारे पास सारी फिगर्स हैं, तो हम सबकी साइजेस कंपेयर कर सकते हैं एक साथ रख के। तो अब जो कलेक्शन हम देखने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें कुछ एलियन हीरोज होने वाले हैं और कुछ एलियन विलन भी। ये है अनबॉक्सिंग टाइम। मैं ये सोच रहा था कि जब भी हम जाते हैं टॉय स्टोर्स पे तो हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई कैरेक्टर मिसिंग होता है। कभी ये वाला मिसिंग होता है, कभी वो वाला मिसिंग होता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि बेन 10 वो कैरेक्टर होगा जिसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा? क्या तुम्हें लगता है कि बेन 10 उड़ जाएगा? क्या वो किसी के हाथ नहीं आएगा? ओहो, ये तो बहुत ही बुरा होगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। हाँ शायद, हाँ मुझे लगता है लोग इसको लेना पसंद नहीं करेंगे, पर ऐसा भी है कि बेन की जरूरत पड़ेगी दूसरे कैरेक्टर्स को समझने के लिए, यू नो। हाँ सच में, मतलब कितना अजीब लगेगा कि सारी फिगर्स आपके शेल्फ पे हैं पर बेन ही नहीं है, ये कहने के लिए कि ये सब मैं हूँ। हाँ भाई, ये सारे के सारे मेरी वजह से यहाँ पे हैं, मेरी। यप बिल्कुल, क्योंकि ओमनीट्रिक्स की पावर्स है, क्योंकि वो मामूली इंसान नहीं है। नहीं अरे, वो हीरो है, बोल्ड वाला, वो बोल्ड हीरो है। इसको अपना ध्यान रखना चाहिए, बार बार मुश्किलों में पड़ जाता है। पड़ जाता है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा यहाँ दिखाया गया है। दिखाओ तो सही। हाँ वही वाली, पर यहाँ नहीं। बेन, तो मानो तुम एक टॉय शॉप पर जाते हो और मिस्टर टॉय मैन, जिनकी शॉप है, कैसे हो छोटे उस्ताद? हाँ, उनका नाम है जरल टॉय मैन, और उनके पास ये सारे टॉयज हैं,
और तुम एक ही ले सकते हो क्योंकि उतने ही पैसे है तुम्हारे पास। तो सबसे पहले तुम कौन सा वाला लोगे? अगर कोई मुझे रोकेगा नहीं तो मैं आराम से बैठ जाऊंगा और वहाँ पे 3 घंटे तक पहले सारे खिलौनों को देखता रहूंगा, उसके बाद सोचूंगा। 5 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है और जेल टॉयमैन को 5 बजे घर जाना है क्योंकि उनकी बीवी ने उनके लिए खाना बनाया है, तो तुम्हें अभी बताना पड़ेगा। क्या खा रहे हैं वो लोग? पाए खा रहे हैं वो। हाँ, उनके बीच बस एक ही पाए है। एक बड़ी सी ब्रोकली पाए? हाँ। अब बताओ। नहीं, मुझे नहीं चुनना। नहीं, अभी चुनना पड़ेगा, अभी चुनो। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कैनन बोल्ट और एक्सेलरेट के बीच में। मुझे लगता है एक्सेलरेट ही होगा। मैं चाहता हूँ कि कैनन बोल्ट हो, पर एक्सेलरेट ही मुझे लगता है ज्यादा कूल है। उसके साथ इतनी सारी एक्सेसरीज हैं, प्लेसेट जैसा दिखता है, कलर और डिजाइन भी इतना ज्यादा कूल है, इतना बेहतरीन है। हाँ, मुझे लगता है मैं एक्सेलरेट ही लूंगा। हाँ, एक्सेलरेट। हाँ, मैं चुनूंगा 4 आर्म्स। वो कितने पोजेस कर सकता है, कितना कूल दिखता है, मतलब इतना बड़ा है, ब्रेकेबल चेन के साथ आता है। तो चलो मैं तुमसे इसी बात पे पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि ये टेस्ट पास करेगा? हाँ हाँ, आपने सुन लिया, फ्लाइंग कलर्स के साथ। तो बहुत ही फास्ट और बड़ा एक्सेलरेट पास करता है ये टेस्ट फ्लाइंग कलर्स के साथ। 4 आर्म्स, कैनन बोल्ट, हीट ब्लास्ट, एक्सेलरेट, स्टीम स्माइट, डायमंड हेड, हेक्स, बेंट एनिसन और ग्रे मैटर, सबने पास किया टेस्ट। मैं एक्सेलरेट की तरह निकल रहा हूँ, मुझ पर कूल इफेक्ट डालो। हाँ, मैं निकल रहा हूँ, बाय। और जेम्स गायब हो गया एक्सेलरेट टॉय के साथ और कैनन बोल्ट के साथ। ओ, और सारे दूसरे टॉयज भी। वो बार बार टॉयज लेकर भाग रहा है। काश वो एक्सेलरेट नहीं होता। जेम्स मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अब मुझे ही सारी सफाई करनी पड़ेगी।